माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8,849 मीटर्स है। और हर साल दुनिया भर से थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंबर नेपाल आते हैं। सबका एक ही सपना होता है कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाकर अपना झंडा लगाना। और अब तक टोटल 6,664 क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुके हैं। और इन सभी क्लाइंबर्स को ऊपर तक पहुँचा है शेरपास ने। शेरपास एक एथनिक कम्युनिटी है नेपाल की, जो पिछले 100 सालों से माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हैं। शेरपास दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब करते हैं। ये हेल्प करते हैं प्रोफेशनल क्लाइंबर्स को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में। बिना किसी शेरपा के कोई भी क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं कर सकता है। माउंट एवरेस्ट K2 माउंटेन के बाद दूसरा सबसे डेंजरस माउंटेन है, जहाँ पे हर दम टेम्परेचर माइनस में रहता है, बड़े बड़े एवलांचेस आते हैं, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है और बहुत ही लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इतने ज़्यादा डेंजरस रूट की वजह से हर साल कई सारे क्लाइंबर्स एंड शेरपास मारे जाते हैं माउंट एवरेस्ट पर। पूर्वा वांगचुक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड फेमस शेरपा गाइड है नेपाल के, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 14 टाइम्स क्लाइंब किया है। पूर्वा वांगचुक का कहना है कि अब शेरपास खतरे में है और आने वाले 10 सालों में कोई भी शेरपा नहीं बनेगा। और ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, पर पूर्वा वांगचुक ने ऐसा क्यों कहा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। माउंट एवरेस्ट पर हर कोई नहीं चढ़ सकता है। उसके लिए क्लाइंबर्स को महीनों तक हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एंड उस ट्रेनिंग में हर एक क्लाइंबर फोकस करता है अपनी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड स्पीड को बढ़ाने में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंड डेंजरस होता है। जैसे जैसे क्लाइंबर ऊपर क्लाइंब करता जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर ओवर डाउन हो जाता है एंड लेवल ऑफ ऑक्सीजन में उतना ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी हार मारने लगती है एंड माइंड काम करना बंद कर देता है। एंड इतने हाई एल्टीट्यूड पर विंड ऑफ स्पीड भी बहुत तेजी से फ्लो कर रही होती है, जो क्लाइंबर्स को नीचे की तरफ धकेलती है। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन शेरपास की बॉडी बनी ही है माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। वो एक्सपर्ट्स होते हैं माउंटेन क्लाइंब करने में, क्योंकि उनका जन्म पहाड़ों में हुआ है। वो अच्छे से समझते हैं पहाड़ों के नेचर को एंड माउंटेनियरिंग करना उनकी लाइफ का एक पार्ट है। इसलिए हर एक शेरपा अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो एक बार माउंट एवरेस्ट जरूर चढ़ा होता है। मैक्सिमम शेरपा नेपाल के हिमालय रीजन से आते हैं, जैसे कि कुम्बू रीजन। शेरपा गाइड दुनिया भर में फेमस है अपने एंड्योरेंस लेवल के लिए, जो माउंटेन बहुत ही आसानी से चढ़ जाते हैं इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। शेरपास जेनेटिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव होती है ऐसे सर्वाइवल नेचर्स में। इनकी टिश्यूज इफिशेंटली यूज कर पाते हैं ऑक्सीजन को इतने हाई एल्टीट्यूड पर, एंड की बॉडी रिजर्व कर लेती है मसल्स एनर्जी, जो हेल्प करती है माउंटेन क्लाइंब करने में। इसलिए प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हरदम मदद लेते हैं शेरपास की माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में। और इस जर्नी में शेरपास गाइड करते हैं क्लाइंबर्स को कि किस रास्ते से जाना है और कहां पर खतरा है, क्योंकि यही पहाड़ों को अच्छे से जानते हैं। और शेरपा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हर एक क्लाइंबर्स को माउंट एवरेस्ट तक पहुँचाने में। इसलिए बिना किसी शेरपा के कोई भी क्लाइंबर कभी भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं कर सकता है। पर माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है, चलिए जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे चैलेंजिंग होता है उसका रूट, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से पुराने रास्ते ढक जाते हैं। तो क्लाइंबर्स एंड शेरपास को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उन पुराने रास्तों पर चलना, जो कि मुश्किल क्रिएट करता है इन क्लाइंबर्स के लिए ये पता लगाना कि आइस ब्रेक कहाँ पे है और होल कहाँ पे हो रखा है। 5,486 मीटर की ऊंचाई पर कुम्बू आइसफॉल आता है, जिसको डेड जोन भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई इस कुम्बू आइसफॉल में मरता है। 2023 में 3 शेरपास ने अपनी लाइफ खो दी इस रूट को पार करते हुए। इन मई 2023 में एक टीम ऑफ शेरपा गाइड्स ने रेस्क्यू किया एक क्लाइंबर को एवरेस्ट के डेड जोन से, जिस रेस्क्यू मिशन में 6 घंटे का वक्त लगा एंड उस पर्सन को शेरपा अपनी बैक पर लेकर कैंप 3 तक आए। माउंट एवरेस्ट में सबसे बड़ा खतरा होता है एवलांचेस का। जब जब बड़े बड़े एवलांचेस आते हैं, तब तब कोई ना कोई मारा जाता है इन पहाड़ों में। 18 अप्रैल 2014 को सबसे बड़ा एवलांचेस आया था, जिसमें 16 शेरपा मारे गए थे एंड 2015 के एवलांचेस में 10 शेरपा मारे गए थे। एंड इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था सिक्योरिटी इशू को लेकर, एंड सारे शेरपास ने एवरेस्ट एक्सपेडिशन करने से मना कर दिया था। और नेपाल गवर्नमेंट को पता था अगर ये एक्सपेडिशन बंद हो जाएगी तो नेपाल गवर्नमेंट को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। इसलिए नेपाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक वेलफेयर फंड इन शेरपा गाइड्स के लिए। पर एक्सपेडिशन लीडर्स का कहना है कि ये फंड कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। पर
अब इन शेरपास के लिए पॉलिसीज निकाली गई है, जिसमें अगर कोई भी शेरपास एक्सपेडिशन में मारा जाता है तो उसकी फैमिली को $11,000 दिए जाएंगे। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको कंपनसेशन के तौर पर $3,000 दिए जाएंगे। लेकिन अब तक इस पूरे माउंटेन में 332 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 118 शेरपास थे, और कुछ लोग तो ऐसे मारे गए जिनकी डेड बॉडी भी अब तक नहीं मिली है। इसलिए कहा जाता है कि शेरपास दुनिया की सबसे टफेस्ट एंड डेंजरस जॉब को करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या यह वर्थ इट है कुछ पैसों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पर डालना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। एक क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एटलीस्ट $50,000 से लेकर $100,000 तक स्पेंड करता है, जो इंडियन रुपीज में 41 लाख से लेकर 82 लाख रुपए होते हैं। ऑन एन एवरेज एक शेरपा एक एक्सपेडिशन में $4,000 से लेकर $10,000 तक रुपए कमाता है, डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पर। ये बहुत ही कम अमाउंट है एक शेरपा के लिए जो अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करते हैं। पूर्वा वांगचुक जो एक प्रोफेशनल शेरपा है जो वर्क करते हैं मकालू एडवेंचर एजेंसी के लिए, जो हर शेरपा को सक्सेसफुल समिट पर $1,500 रुपए एक्स्ट्रा देती है। जो मैक्सिमम समिट्स होती है वो स्प्रिंग सीजन में होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द गाइड्स एक साल में सिर्फ एक ही एक्सपीडिशन कर पाते हैं। उस शेरपा साल भर में $4,000 से लेकर $10,000 तक ही कमा पाते हैं, जिसमें उनको अपना घर भी चलाना होता है। बहुत से शेरपा अपने घर में इकलौते होते कमाने वाले, जिसमें उनको अपने बच्चों की स्कूल एंड कॉलेज फीस देनी होती है, घर का खर्च चलाना होता है और अपने इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं समिट्स के लिए। इनको अपने गेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि वॉर्म्स क्लॉथ हो गए, बूट्स हो गए, बैकपैक हो गए और अदर नेसेसरी आइटम, जिसमें ये तकरीबन $7,000 तक इन्वेस्ट करते हैं। जो बहुत से शेरपास हैं वो कभी स्कूल नहीं गए क्योंकि फैमिली में पैसों की तंगी थी और उनको अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कुछ और करने की। इसलिए मैक्सिमम शेरपास ने गाइड बनने का सोचा, क्योंकि इस फील्ड में बाकी जॉब्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा पैसा है। नेपाल एक लो इकोनॉमिक कंट्री है जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पैसा कमाने की, लेकिन माउंटेनिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। 2023 में नेपाल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए थे $5 मिलियन माउंट एवरेस्ट के परमिट समिट से, और आने वाले सालों में माउंटेन इंडस्ट्री और भी बड़ी होने वाली है। लेकिन बहुत सारे शेरपास अब ये काम छोड़ रहे और दूसरे काम को चुन रहे हैं, जिसमें रिस्क ऑफ लाइफ भी कम हो और सिक्योरिटी मिले। इस इंडस्ट्री में शेरपास के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, ना ही बेनिफिट है। अगर कोई शेरपा डिसेबल्ड हो जाता है या कोई मारा जाता है तो उनकी फैमिली के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अपना घर खर्च चलाना, और जो इंश्योरेंस पे आउट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और गवर्नमेंट्स के वेलफेयर फंड का भी कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए शेरपास अपने बच्चों को अपनी आने वाली जनरेशन को मना करते हैं शेरपा बनने के लिए, कि उनको पता है कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई बेनिफिट है, और लाइफ का इतना ज़्यादा रिस्क है। इसलिए पूर्व वंचुने कहा था कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और शेरपा गाइड देखना, अगर कुछ आपको दिखेंगे भी तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जो प्रोफेशन ए फेमस शेरपास है वो फॉरेनर जा रहे हैं अपनी बेटर लाइफस्टाइल एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जहाँ पे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल्स एंड अच्छे कॉलेजेस में भेज पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम्स पर नेपाल की जॉब मार्केट भी ग्रो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा लोकल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है टूरिज्म एंड माउंटेनिंग सेक्टर की वजह से, और वहाँ के बच्चे कॉलेजेस जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब कर रहे हैं बाहर जाकर, और बहुत कम लड़के इंटरेस्टेड है शेरपा बनने में, और जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है माउंट एवरेस्ट पर, जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है नेपाल गवर्नमेंट पे। इसलिए नेपाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अपने 2025 का प्लान, जिसमें वो इंक्रीज़ करेंगे प्राइस ऑफ क्लाइंबिंग परमिट फॉरेनर्स के लिए, जो कि $11,000 से $15,000 किया जाएगा, एंड उसके साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज़ की जाएगी शेरपास एंड पोर्टर्स की। एंड ये एक नई होप देता है यंग शेरपास के लिए जो आगे चलकर माउंट एवरेस्ट पर गाइड बनना चाहते हैं। इतने ज़्यादा डेंजरस के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा लोग पैशनेट है शेरपा बनने के लिए। एक माउंटेनर बनना काफ़ी लोगों का सपना होता है, माउंटेन्स लोगों को चैलेंज करता है, लोगों को पैशनेट करता है उस पर क्लाइंब करने के लिए। पर नेपाल गवर्नमेंट को शेरपास के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर, ताकि आगे चलकर और भी ज़्यादा शेरपास आए और इनकी इकोनॉमी ग्रो हो, क्योंकि जो माउंटेनिंग इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन शेरपास है। अगर आगे चलकर शेरपास ही नहीं होंगे तो इनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, फिर किसी भी क्लाइंबर के लिए माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी शेरपास के बारे में। ये मेरी सेकेंड वीडियो है, इसके ऊपर मैंने एक फर्स्ट वीडियो भी बनाई थी जो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।